1960 में चाइना के सिटीजन्स ने अप्रॉक्स 4.5 करोड़ स्पैरो को मार दिए और इसकी वजह से कुछ समय बाद चाइना में अप्रॉक्स 4.5 करोड़ लोग मारे गए। इसकी शुरुआत 1958 से होती है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ ज़ेडोंग का मानना था कि पेस्ट से बीमारी और खाना का खपत होता है, इसीलिए इन पेस्ट का कोई भी जरूरत नहीं है इस देश में। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने कैंपेन चलाया जिसका नाम था द फोर पेस्ट्स कैंपेन। इस कैंपेन में फोर पेस्ट स्पैरो, रैट, फ्लाइज एंड मॉस्किटो को टारगेट किया गया था। इसमें से रैट, फ्लाई एंड मॉस्किटो को इसलिए टारगेट किया गया था बिकॉज इससे प्लेग, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती थी, और स्पैरो को इसलिए टारगेट किया गया था बिकॉज हर साल स्पैरो 2 किलोग्राम तक अनाज खा जाती थी। लोगों ने ग्रुप बनाया और स्पैरो को परेशान करने लगे। कुछ लोग स्पैरो के घोंसले में पड़े अंडे को डिस्ट्रॉय करने लगे, और जब भी स्पैरो घोंसले के पास आराम करने के लिए आती तो लोग शोर मचा कर उसे उड़ा देते ताकि वो थक के मर जाए। इस कैंपेन में अप्रॉक्स 1 बिलियन स्पैरो को मारा गया और मारे गए रैटों की संख्या अप्रॉक्स 150 करोड़ थी और 220 मिलियन पाउंड्स फ्लाई और 24 मिलियन पाउंड्स मॉस्किटो को मारा गया। अप्रैल 1960 ऑर्निथोलॉजिस्ट तुसोंग हसिंगचेंग ने बताया कि स्पैरो अनाज से ज्यादा इंसेक्ट खाते हैं। तुसोंग हसिंगचेंग से प्रभावित होकर चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर ने अपना ओपिनियन चेंज किया। माओ ज़ेडोंग ने ऑर्डर दिया कि इस कैंपेन को जल्द से जल्द बंद किया जाए, बट अब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाइना में स्पैरो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका था और इंसेक्ट का संख्या एकदम से बढ़ने लगा, और ये इंसेक्ट तेजी से फसलों को बर्बाद करने लगे। कुछ समय बाद चाइना में अनाज न मिलने के कारण भूखमरी फैल गई और भूख के कारण कई लोग मारे गए। ऑफिशियल डाटा के अनुसार मरने वालों की संख्या अप्रॉक्स 1.5 करोड़ थी, बट चाइनीज जर्नलिस्ट योंग जिसेंग ने अपनी बुक टॉम्बस्टोन में लिखा है कि मरने वालों की संख्या अप्रॉक्स 3.6 करोड़ थी, ना कि 1.5 करोड़। लेकिन इस बुक को चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया।